चंडीगढ़ प्रशासन ने जो वीकेंड पर जो दो दिन दुकानें बंद करने का जो फैसला किए थे वो बिल्कुल गलत है, गैर जरूरी है। सरासर दुकानदारों के साथ सरासर धक्केशाही है। मैं इसका विरोध करता हूँ और इसे तुरंत वापस लिए जाने की मांग करता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता चंडीगढ़ प्रशासन क्या देखकर ऐसा फैसला करता है। कागजी फैसले हैं धरातल पर और प्रैक्टिकली इस चीज़ को नहीं समझा गया। क्या कोरोना, मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन के अधिकारियों से, क्या कोरोना केवल दुकानदारी फैलाते हैं? कोरोना हर जगह से हर क्षेत्र में हर कोने में फैल रहा है, फिर इसकी सजा सिर्फ दुकानदारों को क्यों दी जा रही है? दुकानदारों में भी बड़े हैरानी की बात है, पूरी मार्केट को बंद नहीं किया जा रहा, केवल कुछ दुकानों को बंद किया जा रहा है। उसमें मार्केटों में एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें खुली हुई हैं, इंडस्ट्रीज खुली हुई है जहाँ पर भीड़ भाड़ होती है और सारी गतिविधियाँ खुली रही हैं। केवल दुकानदारों जो पहले ही मंदी की मार में जूझ रहे हैं, जो पहले ही मंदी की मार से बेचारे अपने रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं, उनकी अब बंद करना जो गलत है। दुकानदारों पर पहले ही बहुत मार पड़ चुकी है, इसलिए प्रशासन को इस बारे में तुरंत सोचने की ज़रूरत है और इस विचार इस जो फैसला जो किया है इस पर पुनः विचार किया जाए और इसे वापस लिया। धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।